भड़कल क्षेत्र की मैं बात करूं तो जो 10 साल इस क्षेत्र की दुर्दशा हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। तभी हरियाणा में 5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, जो हमारे समय में 70,000 करोड़ था, 10 वर्ष में बढ़ के 5 लाख करोड़ हो गया। तो इसी तरह से जो पैसे खाए जा रहे हैं, जनता का जो पैसा है वो लुटाया जा रहा है। नगर निगम के 200 करोड़ की नगर निगम के 200 करोड़ की तो एक फाइल है, ऐसे 25 फाइल है। तो ये सेक्टर हमारा स्मार्ट सिटी में आया हुआ है और 2 से 3 फीट तक पानी सड़कों पे था। जी हाँ, और न केवल यहाँ था, यहाँ से अंडर पास तक था। देखो गर्मियों में पानी आता नहीं है, बारिशों में पानी सड़कों से जाता नहीं है, सीवर ओवरफ्लो करता है, कचरा पड़ा रहता है। हर चौक पे ठेका है फरीदाबाद में, भड़कल में। देखिए बड़ी आपकी सरकार जीतती है और आप जीतते हैं तो आपके क्या मतलब चेंज लाएंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव पूरे सवाब पर हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं सब जनता के बीच में घूम रहे हैं और हम लोग भी जितने उम्मीदवार हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या उम्मीद है, उन्हें कैसे हालात लग रहे हैं और क्या लग रहा है उन्हें उनकी जीत के बारे में। तो आज दोस्तों आज हम ये सेक्टर 21 है फरीदाबाद, जो भड़कल कंस्टिट्यूएंसी फरीदाबाद का एक हिस्सा है, तो उसके जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विजय प्रताप सिंह, आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि फरीदाबाद में उनके भड़कल क्षेत्र में क्या हालात हैं, क्या उन्हें पक्ष में दिखाई देता है, क्या विपक्ष में दिखाई देता है और जनता से उन्हें कैसा सहयोग मिल रहा है और उन्हें क्या लगता है कि जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेगा तो क्या स्थिति रहने वाली है और इनका क्या विजन है जो पिछले 10 साल में सरकार नहीं दे पाई। और यहाँ की जो निवर्तमान विधायक सीमा त्रिखा जी थी उनसे लोग संतुष्ट नहीं थे, जैसा कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और वो विकास कार्य उनके द्वारा नहीं हो पाए जिनकी सरकार को उम्मीदें थीं, और इसीलिए भाजपा हाईकमान ने इस बार उनका टिकट भी काट दिया। बहरहाल चलिए ये तो उनके हाईकमान का है कि भाई उन्होंने क्यों काटा, लेकिन पिछली बार भी विजय प्रताप जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और सीमा त्रिखा भाजपा की उम्मीदवार थी और दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई थी। जो भी हालात रहे हों मामूली अंतर से विजय प्रताप जी उस बार रह गए थे। तो विजय प्रताप जी सारे हालात आपके सामने हैं, क्या हालात इस बार लग रहा है कि पिछली बार तो आप कुछ कारणों के चलते जो भी रहे हों जी थोड़े से 2,500 के आसपास से आप रह गए थे, तो इस बार हालात आपको क्या बदले हुए लग रहे हैं? ये हालात बिल्कुल अनुकूल है इस दफा। हरियाणा में भी 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली। 2/3 बहुमत से? हाँ जी जी, मतलब पूर्ण विश्वास है मुझे जी 2/3। और भड़कल क्षेत्र की मैं बात करूं तो जो 10 साल इस क्षेत्र की दुर्दशा हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री बदल दिए गए जी, वो अपने आप में इन्होंने एडमिट किया कि हम फेलियर है। विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे जो सामने लोग बैठे हैं कि क्यों बदला गया था? ये चीफ मिनिस्टर इसलिए बदले गए ना, 9.5 साल खट्टर साहब CM रहे और उनकी पार्टी ने ही सर्वे कराया कि वो बहुत अनपॉपुलर हो गए, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इट मींस गवर्नमेंट फेलियर है जी, उनको बदला गया। और अब विधानसभा में भी कैंडिडेट इन्होंने बदला है अपना, ये नाराजगी छिपाने के लिए कि जो भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं शायद चेहरा बदलने से नाराजगी दूर हो जाए, लेकिन क्षेत्र की जनता ये सब जानती है। राजनीतिक दलों के पैतरेबाजी है BJP की, उनको समझ में आ रही है, लोगों ने 10 साल दे दिए, अब भड़कल क्षेत्र की जनता उनको समय और मौका देने के मूड में नहीं है। नहीं, जिस बात के लिए खट्टर जी को बदला था तो क्या उनका उस मकसद में जो है भाजपा कामयाब हुई, क्या नायब सैनी जी ने जो वो जो मकसद के लिए बदला? नहीं, नायब सैनी जी तो खट्टर साहब की तो शेडो है, छाया है, छाया है, उनका कोई क्राइटेरिया थोड़ी था जो उनको बनाया गया
किसी को मालूम ही नहीं था कैसे बन जाएंगे। और जहाँ तक चर्चाएं हैं उसमें ये कहा जाता है कि आखिर में खट्टर साहब से पूछा गया भाई आपकी चॉइस क्या है, तो उन्होंने अपनी चॉइस दे दी, विधायकों का मत नहीं लिया। और आप देखे अनिल विज जी तो कितना नाराज हुए, वो इनकी पार्टी के सबसे सीनियर हैं, तो इनकी कहानी तो बिल्कुल क्लियर है चीफ मिनिस्टर कैसे बने और बनने के बाद ये घोषणा मुख्यमंत्री बने रहे। उसका छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, 122 करोड़ का हमारे शहर में नारसिंह स्टेडियम प्रोजेक्ट बन रहा है जी, 8 वर्ष से वो किसी कंपनी को इन्होंने दे रखा है जी, 8 वर्ष में काम पूरा नहीं हुआ, लोगों में रिजेंटमेंट हुई और सैनी साहब ने पीछे 225 करोड़ और देने की घोषणा कर दी जी। चाहिए ये था उनको कि पहले जांच करते, जिन लोगों ने 8 साल काम नहीं किया, 122 करोड़ रुपए खा गए जनता का, उनकी जांच होनी चाहिए थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इस व्यक्ति ने उनको 225 करोड़ का एक और इनाम दे दिया। ये दिखाता है कि किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग ये कर रहे हैं। तभी हरियाणा में 5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, जो हमारे समय में 70,000 करोड़ था, 10 वर्ष में बढ़ के 5 लाख करोड़ हो गया। वो इसी तरह से जो पैसे खाए जा रहे हैं, जनता का जो पैसा है वो लुटाया जा रहा है। नगर निगम के 200 करोड़ की नगर निगम के 200 करोड़ की तो एक फाइल है, ऐसे 25 फाइल है स्ट्रॉन्ग रूम में जो जला दी गई थी। तो इस तरह के जो नॉन पॉलिटिकल सोच वाले लोग सीएम बन जाते हैं और उसी का खामियाजा हरियाणा को भुगतना पड़ा है। एक नारा रहा है भाजपा सरकार का कि सबका साथ सबका विकास, तो जहां विकास वाली बात है तो क्या वो विकास हो पाया है? यहां पर सेक्टर 21 के शहर के लोग बहुत बैठे हैं, हमारे जो सेक्टर 21 की RW है उसके प्रधान भी गजराज नागर जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि ये 5 सेक्टर है और स्मार्ट सिटी का सबसे बेहतरीन सेक्टर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सीवर सड़कों पर बहरा इसी लेन में अभी जाएंगे तो आप देख लीजिए। बिल्कुल बहरा मैंने देखा, क्योंकि हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ आप देखें कि सीवर का पानी बहरा। देखिए सीवर का पानी सड़कों पर बहरा है, पीछे बारिश आई तो ये सेक्टर हमारा स्मार्ट सिटी में आया हुआ है और 2 से 3 फीट तक पानी सड़कों पर था जी हाँ, और न केवल यहाँ था, यहाँ से अंडर पास तक था। और उसी दौरान 2 नवयुवक रात को अपनी गाड़ी लेके अंडर पास चले गए जी, 11 फुट पानी था और वो उसमें डूब गए, गाड़ी डूब गई, उनका निधन हो गया जी। विकास तो आपके सामने ही है, मूलभूत समस्याओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए शहर तरसा दिया है। जो स्लम्स की प्रॉब्लम्स होती थी, सड़क सीवर बिजली पानी, वह शहर की प्रॉब्लम्स बन गई। देखो गर्मियों में पानी आता नहीं है, बारिशों में पानी सड़कों से जाता नहीं है, सीवर ओवरफ्लो करता है, कचरा पड़ा रहता है। हर चौक पे ठेका है फरीदाबाद में, बड़कल में, और हर 100 मीटर पे सड़क टूटी हुई है। पार्कों को RWS खुद मेंटेन करती है, सफाई कर्मचारी अपने पैसे से लोगों ने पर्सनल रखे हुए हैं, RWS ने, आपने भी रखे होंगे जी, बिल्कुल रखे हैं। तो ये हालात है, डेवलपमेंट नहीं है। कॉरपोरेशन का 2,500 करोड़ का बजट है, बावजूद उसके आज इस दयनीय स्थिति में हमारा शहर है। विकास इन्होंने किया होता तो लोग इनसे संतुष्ट होते। यदि आपकी सरकार आएगी जी तो बड़कल विधानसभा क्षेत्र के लिए और पूरे शहर के लिए और पूरे राज्य के लिए आप लोगों की, आपकी सरकार बड़कल के लिए आपकी क्या योजना है और पूरे शहर के लिए, जिले के लिए और पूरे हरियाणा के लिए? देखिए यदि आपकी सरकार जीतती है और आप जीतते हैं तो आपके क्या मतलब चेंज लाएंगे? लोग हमें अपना समर्थन और आशीर्वाद देते हैं और अगर मैं उनके आशीर्वाद से जीतता हूँ तो मैं सब जगह यही कह रहा हूँ और बिल्कुल सोच समझ के मैंने ये बोला है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारे यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन जो समस्याएं बन गई हैं जी, बहता हुआ सीवर सड़कों पे, टूटी सड़कें, कचरा और पीने के लिए साफ पानी जी, ये सब चीज़ें होंगी। ये पहली तीनों चीज़ें हटा दी जाएंगी और पीने के लिए पानी मुहैया करा दिया जाएगा जी। ये हमारा 3 महीने का टाइमलाइन है, उसके बाद हमारे पार्कों का सौंदर्यीकरण और मेंटेनेंस, फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पुराना हो गया है, सीवेज ड्रेनेज और वाटर लाइन्स, उसको बदलेंगे। आज हमारे शहर को खेल के मैदान चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए,
नए स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए। आप देखिए कॉलेज पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, या तो प्राइवेट कॉलेज में जाएं या फिर आप ओपन से करें जी। गवर्नमेंट कॉलेज हमारे यहाँ जितने हैं 10 साल पहले जो थे उतने के उतने ही हैं जी। आबादी इतनी बड़ी बढ़ गई है, कम से कम 5-7 नए कॉलेजेस और होने चाहिए थे। सरकारी स्कूल नहीं हुए, स्कूल बहुत ज़्यादा बंद कर दिए। देन ही आप देखेंगे सरकारी स्कूल जितने भी बड़कल में जर्जर अवस्था में एक दो को छोड़ के आ चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल के भी उस पर भी काम किया जाएगा। बड़कल हॉस्पिटल के तो खैर हालात ही बहुत ख़राब है, उसको भी सुधार किया जाएगा। हमारे समय में चीज़ें ऐसी नहीं थी, ये तो हम बड़कल के लिए करेंगे। बड़कल लेक जो इन्होंने सीवरेज के पानी से भरने का काम किया है, उससे ओखला जैसी स्थिति यहाँ बन गई है, वहाँ स्मेल आने लगी है जी, हमारी गली में। हाँ, इस योजना को थोड़ा तब्दील किया जाएगा। फ्रेश वाटर की लेक से हमारे यहाँ पहाड़ों में उसका पानी यहाँ लाया जाएगा। और देखो ये बड़ी जरूरी योजना है, आज शहर के लिए लाइफ लाइन है जी, तो ये हम पूरा करेंगे। और उसके बाद कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं कराया 3 साल से जी, पर इसी मन गलत किया, उसको ठीक करके कॉरपोरेशन का इलेक्शन कराया जाएगा, ताकि पावर जो है ना डिसेंट्रलाइज हो। हमारी RWS को एम्पावर किया जाएगा कि उनके सिग्नेचर के बगैर जी हर महीने ना तो सफाई कर्मचारियों को और ना ही हॉर्टिकल्चर वालों को तनख्वाह इश्यू हो सकती है जी। वो रिकमेंड करेंगे तो होगी, तो स्वतः ही RWS को भी एम्पावर कर देंगे। ये हमारा विजन है। उसके बाद हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, बढ़ाएंगे मतलब जी। गुड़गांव तक मेट्रो लानी है हमें, हरियाणा के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो है कि 25 लाख तक का जो इलाज है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो हरियाणा की कांग्रेस सरकार बनेगी तब वो करेगी। और 500 रुपये का गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली माफ, 6000 बुजुर्गों की पेंशन, और बेरोजगारों के लिए और महिलाओं के लिए स्टार्टअप के लिए 1 लाख रुपये भी हमारी सरकार देगी जी। ये कार्य हम करने जा रहे हैं। और हरियाणा को वापस नंबर एक बनाना है, कांग्रेस के समय में नंबर 1 था जी, आज हम बहुत नीचे पायदान पे। मैं कुछ एक दो सवाल और पूछूं। बिल्कुल पूछिए। क्योंकि जो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये यही प्रोग्राम नहीं देखेंगे, पूरे शहर में, बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा में देखा जाएगा, पूरे देश में देखा जाएगा जी। ये लोगों में बड़कल क्षेत्र के या फरीदाबाद के क्षेत्रों में, चूँकि आपके पिताजी लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन जो है आपके ही बड़कल क्षेत्र में वो 35,000 वोटों से पिछड़ गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसके कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण ये है कि मात्र 1 महीने पहले उनको टिकट मिला जी, 25 लाख वोट और 25 दिन का समय, 9 विधानसभा क्षेत्र जी, उस तैयारी में इतना कम समय रह गया कि हम बाहर के क्षेत्रों में समय लगाया हमने। बड़कल विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए मेरी कोई एक भी मीटिंग में नहीं कर पाया। अच्छा, वहाँ से केवल हमारी टीम जो है उन्होंने काम किया, बाबूजी भी शायद 5-4 मीटिंग्स ही कर पाए। जहाँ केवल हमारी टीम ने काम किया वहाँ हमें 65,000 वोट फिर भी मिला जी, और वो चुनाव नेशनल परसेप्शन पे था। बहुत से लोगों ने नेशनल परसेप्शन पे वोट दिया। जहाँ हम पहुँचने में कामयाब रहे वहाँ 10% वोट हमारा इंक्रीज हुआ। हम अपना विजन देने में कामयाब रहे, हम लोगों को वहाँ समझाने में कामयाब रहे कि भाई 10 साल से केंद्र की तरफ से फरीदाबाद को कोई भी योजना नहीं मिली, मतलब ना पैसा मिला ना विकास, कोई योजना नहीं मिली। कृष्ण पाल जी उस समय भारी उद्योग और बिजली मंत्री थे, 98% लोग उनके विभाग को नहीं जानते थे जी, क्योंकि वो अपने विभाग से एक भी योजना फरीदाबाद में नहीं ला पाए थे जी। और जब मिनिस्टर अपने विभाग से योजना लाता है तभी लोगों को पता चलता है, लोगों ने उनको नहीं उस समय नेशनल परस्पेक्टिव में वोट दिया। तो ये दो कारण हमारे प्रमुख रहे। चलिए, अगर हम यहाँ समय लगाते तो निश्चित तौर पर 10-15% वोट यहाँ बढ़ जाता जी। आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में मेरा अंतर मात्र 2,500 था, लोकसभा में 75,000 था जी, मेरा 2,500 था। अब अंतर ही नहीं है, 34,000 अंतर जो आया है, ये भी इसलिए आगे मैं बताऊं आपको नेशनल परस्पेक्टिव और हमारे समय की कमी। अच्छा चलिए, ये सवाल का जवाब मिल गया। हम और बात करते हैं, ये एक दो मिनट में और लूँगा आपका, कि जो हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि
कांग्रेस को कांग्रेस ही हराते हैं, जनता तो जिताना चाहती है और उनमें गुटबाजी इतनी है जो सबको दिखाई देती है। और गुटबाजी का ही कारण रहा है कि पिछले 9 सालों से कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं। पार्टी के पूरे हरियाणा में जिला अध्यक्ष तक नहीं है। देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही, हमारी ये वीकनेस रही है और बीजेपी के पास संगठन था, हमारी पार्टी का संगठन नहीं बना था, उसी का हमें ड्रॉबैक रहा। ये जितना भी संगठन है ये उन लोगों का था जो पार्टी की विचारधारा से सहमत है जी, या पर्सनली हमसे जुड़े हुए जी। हालांकि पीछे हमारे अध्यक्ष जी ने इसमें बहुत होमवर्क किया है, प्रभारी जी ने, और तकरीबन संगठन अब तैयार हो गया जी। मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद वो डिक्लेयर होगा, पर उसका खामियाजा हमें मिला है थोड़ा बहुत, बिल्कुल फ्रेंकली स्पीकिंग मिला है। अगर ये नारा होता तो शायद हमारे को 10-15 हज़ार पर कंस्टिट्यूंसी में वोट और बढ़ जाता। देखिए, आप जो है शहर में घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, आम तौर पर जो मतलब भाजपा जो है एंटी इनकम्बेंसी का फिलहाल सामना कर रही है और लोगों का झुकाव जो है किसी हद तक कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है, तो आपके जो यहाँ की गुटबाजी है वहाँ तो कोई चक्कर नहीं है कि जिससे आप? नहीं नहीं, हमारे यहाँ मेरे बड़कल में कोई गुटबाजी नहीं है इस समय। अच्छा, सभी लोग एकजुट हैं, सबने मुझे पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। और आप देखिएगा, बड़कल विधानसभा सीट हरियाणा के बड़े मार्जिन में से एक रहेगा कांग्रेस की। कितने वोटों से आप जीतने जा रहे हैं? देखो, ये तो जितने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा उतने वोटों से मैं जीतूंगा। कितनी सीटें आप? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे आशीर्वाद इस बार भरपूर मिलेगा। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा में? मैंने पहले भी कहा, 2/3 बहुमत के नजदीक है, मतलब 60 के आसपास। हाँ बिल्कुल, आपकी बात में सच मानो तो हरियाणा की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा नहीं, हरियाणा में सरकार बनने की मुझे पूरी आशा है, और जिस हिसाब से 10 साल लोग परेशान रहे हैं, मुझे लगता है 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत ना जाए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।